The year 1991, if you just, I will draw a diagram to make you understand. Hum 1991 ko we will take a, this is a watershed year. You can draw this watershed year. All of you know that in the year 1991, new economic policies were introduced. New economic policies were introduced. Now it's not a new thing. We call them as liberalization, privatization, and globalization. Theek hai na? So new economic policies were introduced in the year 1991. Just to develop an analysis in your mind, see, before 1991, the thrust was on the government investment. गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर थ्रस्ट था कि गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी, है ना? गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी, मतलब अगर गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रही है तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन की ग्रोथ हो रही है. ये आपको अब फंडामेंटल समझ है कि प्रोडक्शन इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट. And government was investing through primarily public sector undertakings, PSUs. ये आपको मालूम है मोटी सी बात कि public sector undertakings government established कर रही थी in virtually so many sectors. Now, अगर government invest कर रही है, देखियो, then for financial system क्या है? Financial system का काम हमने समझा है कि it makes money available. ये मनी अवेलेबल कराता है इकोनॉमी के अंदर. बिकॉज फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट मनी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग्स और लोन्स. सो इट इज द फाइनेंशियल सिस्टम विच बेसिकली मेक्स मनी अवेलेबल टू होम. नाउ बिफोर 1991 इट वॉज द गवर्नमेंट विच रिक्वायर्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी. सो द होल मनी वॉज फ्लोइंग टूवर्ड्स द गवर्नमेंट. फंडा क्लियर कर रहा हूं मैं आपको. फंडा क्लियर करना अपना इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, है ना? बाकी बातें सारी रूटीन की हैं. 1991 से पहले गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है तो फाइनेंशियल सिस्टम को सारा पैसा एक तरह से गवर्नमेंट को देना है. एंड दैट इज अ रेशनल बिहाइंड वी हैव सीन इन द लास्ट लेक्चर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स. नेशनलाइजेशन को कि गवर्नमेंट ने सारे अपने बैंक्स अपने कंट्रोल में ले लिए एक तरह से, और इस तरह की